तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आज हम आपको खेत से नहीं, हरदा से थोड़ा सा लाइव दिखा देते हैं। आज हम आए हैं भैया हमारे साथ, या फिर हम इनके साथ, आज हम प्रभुदयाल जी गौर साहब के साथ में। और आज हमको कुछ कीटनाशक, कुछ फंगीसाइड और कुछ स्ट्रेस फ्री वगैरह चीज़ें लेना है। अब काफ़ी किसान ये बोलते हैं कि हमें फूल के लिए क्या कौन सा टॉनिक डालना है, उसके साथ में फली भराव के लिए कौन सा टॉनिक डालना है। तो देखिए इस समय क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अगर देखें तो लगभग 42 डिग्री के समथिंग है, और 42 डिग्री में जहाँ एक आम इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वहाँ फसल कैसे सर्वाइव करेगी। और उसके साथ में अगर आप कोई टॉनिक डाल भी रहे हो तो उसका उतना इफेक्टिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसा मानना है कि लगभग अगर आप कोई भी टॉनिक का स्प्रे करते हो तो उसमें आपको लगभग 25% ही रिजल्ट मिलेगा। 75% जो आपका रिजल्ट है वो टेम्परेचर की वजह से आपको मिलेगा नहीं। तो जितना हो सके आप किसी भी टॉनिक को या फिर किसी भी ऐसे कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, टॉनिक वगैरह या फिर कोई भी ऐसे बूस्टर डोज कोई भी अगर आप कर रहे हैं यूज़ में, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका फिजूल खर्चा ही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वाटर मैनेजमेंट करें। अभी वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम आपको थोड़ा सा लाइव दिखाएंगे ये गौर साहब के खेत में से। बहुत तगड़ा वाटर मैनेजमेंट है। और लगभग कितने एकड़ में मूंग लगी है अभी? क्यों 25 एकड़ में कुएं से सिंचाई करना और फिर उसका 100% तक वाटर मैनेजमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि अभी अगर आप देखो तो हर जगह ये कंडीशन बनी हुई है कि व्यक्ति के पास अगर 4 एकड़ में भी मूंग लगा हुआ है तो उसका वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। और अगर आप इतने महंगे महंगे कीटनाशक स्प्रे में ले रहे हो, टॉनिक यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद में फिर आप अगर बोलो कि वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा महंगा कीटनाशक वगैरह डालने से कोई मतलब। भैया शाम का समय हो चुका है और फाइनली 8 बज चुकी है, और अपन ने जो प्रोडक्ट लेने के लिए आए थे उसमें से अपन ने कुछ ले चुके हैं और कुछ अभी और लेना है। तो जो प्रोडक्ट अपन लेने के लिए आए थे उनमें क्या क्या प्राइस में मिला उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स आपको 1300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगा, और अपन ने 1300 के हिसाब से लिया है, 1300-1400 में आराम से मिल जाएगा। उसके साथ अगर बोंड के बारे में बात करें तो इसके अंदर 10 पैकेट आते हैं और एक पैकेट की जो कीमत है ये 500 रुपये है। अगर ओवरऑल अगर इस बॉक्स के बारे में बात करें तो ये लगभग 5000 रुपये का है, लगभग क्या फाइनली 5000 का ही है। उसके साथ चंबल फर्टिलाइज़र इमाबेक्टिन ये 1300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, सोलोमन आपको 1900 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। उसके साथ अपन ने एक प्रोडक्ट और लिया है, ये टेक्टर ब्रांड IIL क्रोल इंट्रा नीली प्रोल, थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे मार्केट में आपको 850 रुपये प्रति 150 ml की बॉटल मिल जाएगी। और क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अपन ने ये 10 डब्बियाँ ली हैं और उसकी जो कीमत है 850 रुपये। वैसे मार्केट में आपको शायद 800 में भी मिल जाए, कोशिश करना। बाकी मार्केट में क्या है कि किसानों को बेचा जा रहा है 1000-150 ml में। और सोलोमन 2 लीटर है, और चंबल फर्टिलाइज़र 2.5 kg, बोन का सिर्फ एक डब्बा है। ये इस्तेमाल करने के बाद क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में बताएंगे, और कुछ किसानों को भी ये अपन ने डलवाया है तो उनको जो फाइनल ही रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में अपन बताएंगे। उसके साथ इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंडेक्स लिया है फाइनली 2.5 kg, तो 1300 रुपये के हिसाब से मिला। बाकी मार्केट में अगर बात करें तो 1800 रुपये तक किसानों को बेचा जा रहा है, 1800 रुपये, 1600 रुपये, कोशिश करें कि आपको कम से कम रेट में मिल जाए। चलिए ठीक है,